कटक एसीबी मेडिकल सर्जिकल वार्ड रु फेरार हो गला गैंगस्टर हैदर जेहेतु से दीर्घ बार दिन पूर्व एटी से चिकित्सा हाँपी से आसाला जेल रु जेहेतु से आज फेरार हो जाए एसीबी मेडिकल सर्जिकल वार्ड एटी चिकित्साधीन अवस्था थिला गैंगस्टर हैदर और आज से संध्या बेलू एठ फेरार निजे स्पष्ट कर कटक डीसीपी प्रतीक सिंह और जेहेतु तार स्वास्थ्य अवस्था किसी समस्या था जेहेतु तार चिकित्सापी एसीबी मेडिकल सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराइला से किसी समय पूर्व अर्थात संध्या बेलू समय ही से मेडिकल फेरार स्पष्ट भाव में सूचना देखते कटक डीसीपी प्रतीक सिंह और परवर्त अवस्था कमिश्नरेट पुलिस पक्ष वर्तमान सहर सारा नाकाबंदी करविन्न छक को बंद कर सिल कर तदंत आरंभ क्यों जगार बर्तमान अच्छी गैंगस्टर हैदर और जेहेतु कैबिन नंबर पाँच तार चिकित्सा चलता और से चिकित्साधीन अवस्था ही फेरार हो जाए आउ गोटे खबर जो मिली से फेरार हाँ पूर्व से जो रूम जो गृह तार चिकित्सा चलता से जड़े गार्ड को अचेत अवस्था से गार्ड से मिली तो प्रकृत में से जो हैदर एठ फेरार किए सहयोग करता जो गार्ड मैंने जो सुरक्षाकर्मी मैंने जेल ठू आरंभ कर मेडिकल पर्यंत तार चिकित्सा बा तार चिकित्सा समय सुरक्षा दे किए नियोजित थे केमती से फेरार है बर्तमान पचराउचरा कर तदंत बर्तमान आरंभ कर जेहेतु मेडिकल ये खबर प्रसारण होगापर कोटा कोटी लोक मितर भय आसी जाए जेहेतु बर्तमान तत्पर हो उठी कमिश्नरेट पुलिस और विभिन्न छक तनाघना आरंभ कर समय पूर्व डीसीपी प्रतीक सिंह निजे आसते मेडिकल सर्जिकल वार्ड निजे से आसते तनाघना कले खबर संग्रह कले से निजे आम मान सामने स्पष्ट करेहतु विभिन्न छक मानक बर्तमान नाकाबंदी करदंत करों जगार से बर्तमान लुचिक रही किए किए सहयोग करता जदिव से फेरार होती से कमी फेरार है क्यों स्थान को से जाए तार चेर कौ जा लंबी सहायता करे किए किए सहयोग कर सबुर तनाघना बर्तमान आरंभ कर पुलिस और सब बड़ कथ से जो वार्ड तार चिकित्सा चलता और से वार्ड में जो सुरक्षाकर्मी सब थे विरुद्ध में कौन सब कार्यानुषान बर्तमान फोकस दी जाए कि सब बड़ कथा प्रथम कथा प्राथमिक तदंत जहाँ बर्तमान करो जगह को फेरार होती केमी फेरार है और जेहतु सब सरल छक को बर्तमान नाकाबंदी कर किसी समय पर ही स्पष्ट चित्र सामने को आसपे कहीं जेहतु से फेरार होती से क्यों जगह को जाए घर को जाए कि क्यों अन्य जगह को जाए बर्तमान खोरताल आरंभ कर कमिश्नरेट पुलिस कटकुरु कैमरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज़।